आप ही के चैनल पे पहले दूसरे एंकर बैठे थे, उस वक्त इन्हें बात छेड़ी कि लोग वो लोग पूछ रहे, वहाँ से एक सवाल आ रहा था कि क्या गलती बीजेपी ने की। मैं कहता हूँ कि कितनी ज्यादतियाँ बीजेपी ने की, ये प्रॉब्लम ज्यादतियों का खामियाजा भुगतने वाला है। बिहार का जो इलेक्शन का रिजल्ट है, ज्यादतियों का जवाब है। तो आप पाकिस्तान को जोड़ें, ऐसी बात ख़त्म हो गई वो बात। अब रिजर्वेशन की आपने बात की, जो मुद्दा रिजर्वेशन का ओबीसी के अंदर 5% वाला इशारतन नरेंद्र मोदी जी ने आखिरी वक्त उठाया, वो सिर्फ वो काम किया जो मोहन भागवत का मुद्दा जो था, मोहन भागवत का जो रिजर्वेशन के खिलाफ मिजन भागवत का जो जवाब आया था उसके खिलाफ जो बयान आया था मोहन भागवत का, उस बयान को एक तरीके से काउंटर करने के लिए शायद उन्होंने बात कर दी, लेकिन वो आखिरी नेल हुआ। ये मैंने आपके चैनल पे यही एक घंटा पहले कहा। मैं आपको एक आगाह करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बात को थोड़ा बदल कर भी देखते हैं। ये हो गई जीत। पहले बीजेपी पटाखे और जो है मिठाई बांट रही थी, जबकि कुछ मालूम ही नहीं था। लिफाफा देखकर मजबून का पूरा जो है तांता बना दिया था। अब लिफाफा खुल गया। अब लिफाफा खुलने के बाद मैं देख रहा हूँ कि जेडीयू, कांग्रेस, राहुल गांधी, फला ताशा बताशा, ये जो कर रहे हैं ना, ये भी खतरनाक है मेरी नज़र में। मुबारकबाद के हकदार हैं, जश्न होने चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये जश्न का टाइम नहीं है। मैं एक मिनट, बड़ी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज़। जश्न का टाइम नहीं, क्यों नहीं है जश्न का टाइम? मुल्क में माहौल पूरी तरीके से बदलने वाला इस इलेक्शन की जीत से नहीं है। आज हम लोग बहुत जल्दी खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो माहौल जिस किस्म का बना हुआ है वो कई वजूहात से बना हुआ है और एक खास सोच ने बनाया है, और उस सोच को बनाने वालों ने ये नहीं सोचा है कि सोच को हम रोकेंगे। ये कहीं मिसाल उसकी नहीं मिलती, ना हमारे पास कोई गवाही देता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसा जख्मी शेर होता है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अभी ये हो गया है कि बीजेपी की जो हार है यहाँ पर उनको कुदेर कुरेद देगी, और जो लोग इस चीज़ को बनाकर माहौल बना रहे हैं वो लोग बिचक जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि फिरकावाराना बातें, जहनीत के लोग जो है गलतियाँ करेंगे।